Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोटोन बूस्ट। मैं आशुतोष शर्मा, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। स्टूडेंट्स, हाल ही में हमने रेशनल नंबर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने रेशनल नंबर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। सो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और पावर्स क्या होती है? देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसमें ये देखिए 10 रेज टू द पावर 4, देखिए क्या लिखते हैं, 10 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है, 10 को रेज किया गया है 4 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है? देखिए, ये पूरी टर्म कहते हैं इसको हम पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एक्सपोनेंट क्या है, ये जो 4 है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एंड 10 यहां पे क्या है, बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्सपोनेंट हमारे ये हैं, बेस कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। ठीक है, और इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल देखते हैं। 5 की पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4, 4 यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट, 5 क्या है, बेस, एंड पूरी टर्म क्या है हमारी, पावर। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 4 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 25, यहाँ तक क्या हो गया, 25 25 5 125। ठीक है, उसके बाद 125 5 625। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को ही सॉल्व किया है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a की पावर माइनस का m, a हमारा क्या है यहाँ पे, बेस, जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, m यहाँ पे क्या है हमारा, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस टर्म में, देखिए a की पावर m। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो उस इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर माइनस का 3। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 हमारा बेस है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया, 1 upon 2 into 2 into 2, क्या आया, 1 upon 8, ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस तरह से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक्सपोनेंट पावर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। देखिए कैसे, हम बात कर रहे हैं पहले पॉजिटिव के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में देखिए हमारा टर्म है a अपॉन b की पावर n। ठीक है, a और b हमारे पास क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और जहां n जो है वो क्या है, b आ पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, इसको आगे और एक्सपेंड करेंगे, देखिए a इंटू टू ए डैश बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, डैश एंड टर्म, ये भी एंड टर्म। ठीक है, तो
इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल देखिए 3/5 और इन दोनों की पावर क्या है 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्म को हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सॉल्व करें, 3 3 9 एंड 9 3 27, 5 5 25 25 5 1 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपस में कट रहे हैं तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं कट रहे तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल करें देखिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल देखिए, इस बार हमारे पास वैल्यू किस में है, माइनस में है। एक्सपोनेंट माइनस नहीं है, लेकिन हमारे पास बेस जो है वो माइनस में है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग लिखेंगे पावर्स को। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, -3 × -3 × -3 × -3 × -3 क्योंकि 4 पावर है। ठीक है, 4 को भी हम ठीक है स्टूडेंट्स सॉल्व करें, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81। अब बात करते हैं माइनस के साइन की। फ्रेंड्स, मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। ठीक है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। देखिए ढंग से एक बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 3 9 ये किसका हो गया, प्लस करना है। ठीक है, इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9 वापस प्लस का 9। ठीक है, तो हमारा बस आंसर क्या आया, प्लस का 9 इंटू प्लस का 9 81, 4 4 16 16 4 64 एंड 64 4 256। तो ये है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, इजी लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। चलिए सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, देखिए यहाँ पे हम एक्सपोनेंट किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे रेसिप्रोकल और ये हमारा सॉल्यूशन। देखिए हमने क्या करा, रेसिप्रोकल किया। ठीक है, उसके बाद ये इस फॉर्म में सॉल्व हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या है हमारे पास, 3/4 और पावर किस में है, नेगेटिव में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहला स्टेप क्या है, इसको रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4 ऊपर 3 नीचे और ये हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, सेम मेथड जो हमने पॉजिटिव में किया था। यह सॉल्यूशन समझ में आया, एक को एग्जांपल करते हैं। देखिए 2/5 की पावर -3 एक्सपोनेंट किस में है, माइनस में। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ऊपर 5 पहुंच गया, नीचे 2 पहुंच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, फिर सेम वही मेथड जो पॉजिटिव में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्पेंड किया, सॉल्व किया, 125/8। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल देखिए, -3/4 इसकी पावर -3 कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो हमारे पास नेगेटिव में है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड है, वही इसका रेसिप्रोकल करेंगे।
माइनस अपनी जगह पर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये जो माइनस है ये अपनी जगह पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होंगे ये, ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच गया और ये नीचे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए इसके बाद एक्सपेंड करते हैं। आंसर क्या आएगा देखिए, वही सेम चीज़, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 कितना हुआ, प्लस का 16, ठीक है, और प्लस का 16 इंटू माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 64। कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 3 9, 9 थ्री ज़ा 27। ये था हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।